वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सैनिक विद्यालय घोड़ाखाल के वार्षिक समारोह का वर्चुअल माध्यम से संबोधन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सैनिक विद्यालय में प्रशिक्षण और खेल अवस्थापना से जुड़ी हुई दो घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल में सिंथेटिक ट्रैक युक्त स्टेडियम बनाया जाएगा तथा कृत्रिम घास युक्त फुटबॉल मैदान का भी निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि वैसे ही वीरों की भूमि है, सैनिक की भूमि है। हमारी सरकार सैनिकों के समर्पण और जज्बे का हमेशा सम्मान करती है। सैन्य सुधार के अंतर्गत वन रैंक वन पेंशन, सेना का पुनर्गठन, स्वदेशी रक्षा तकनीक को बढ़ावा देना, सेना का आधुनिकीकरण जैसे कई कार्य उच्च प्राथमिकता से किए हैं। इसी का परिणाम है कि आज भारत अपनी रक्षा जरूरतों का आयात का कम करते हुए बहुत से देशों को रक्षा सामग्री निर्यात भी करता है। अच्छा होता कि मैं आपके गौरवशाली विद्यालय परिसर में उपस्थित होकर आज के इस शानदार कार्यक्रम का हिस्सा बनता, परंतु प्रशासनिक एवं पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण से यह संभव नहीं हो पाया। इसलिए आज मैं आप सभी से इस वर्चुअल माध्यम से जुड़कर आप सभी को वार्षिकोत्सव की बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं इस ऐतिहासिक स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों एवं चयनित जो हमारे कैडेट्स हैं, उन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।